आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपना योगदान दिया। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे दो टैब्लॉयड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। पंडित कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है।